गाइस वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। आज के इस ब्लॉग में मैं आप लोगों को मैं अपना नज़दीकी बाज़ार बराड़ी बाज़ार दिखाने वाला हूं। आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे बराड़ी का सुप्रसिद्ध मंदिर शिव मंदिर है, चलिए मैं आपको इसका अंदर का नज़ारा दिखाता हूँ। बाहर से कुछ इस प्रकार का है, अंदर काफ़ी भव्य मंदिर है। ये बगल में यहाँ शनिदेव जी शनि भगवान का मूर्ति है, इधर यहाँ पूजा अर्चना हो रही है। और ये हमारा अंदर माता दुर्गा विराजमान है। तो गाइस ये माता दुर्गा की प्रतिमा है, काफ़ी ही प्यारी सी प्रतिमा, अपने माता दुर्गा अपने वाहन पे विराजमान है। देखिए कितनी प्यारी प्रतिमा है। हाँ तो दोस्तों ये काफी प्राचीन मंदिर है। हाँ तो फ्रेंड्स ये हमारे मंदिर का भव्य रूप है, और ये हमारे मंदिर का वो प्रांगण है जहाँ पे हर साल दशहरा के समय में यहाँ पे राधा कृष्ण जी की प्रतिमा विराजमान होती है, और यहीं पे हरि कीर्तन का आयोजन होता है। हाँ तो दोस्तों ये हमारा भगवती मंदिर, देखिए कितना भव्य आकार लिया हुआ है भगवती मंदिर का, कितना अच्छा लेटर में लिखा हुआ है श्री भगवती मंदिर बराड़ी। और ये हमारे भगवती मंदिर का ये प्रांगण है। हाँ तो दोस्तों देखिए ये मंदिर के अंदर कितने प्यारे प्यारे तरीके से लिखा हुआ ओम लिखा हुआ है। देखिए बीच में फैन भी है, कितना प्यारा, कितना भव्य और कितना मनमोहक लग रहा है। चलिए मैं आप लोगों को अंदर प्रतिमाएँ माता जी की प्रतिमा दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये बीच में हमारी माता दुर्गा विराजमान है, जहाँ पे श्रद्धालुगण पूजा भी कर रहे हैं अभी। ये कितना छोटा प्यारा सब प्यारा बच्चा कितना प्रेम से आरती कर रहा है, देखिए। ये हमारा फ्रेंड, ये हमारे साथ ही हमारे साथ ब्लॉगिंग कर, इसका भी चैनल मैं आपको अपने लिंक पे डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक भी दे दूंगा। और यहाँ प्यारी सी राधा कृष्ण की मूर्तियाँ हैं, मूर्ति कितने प्यारे लग रहे हैं, राधा कृष्ण जी की मूर्ति यहाँ पे। और वो अंदर में शिव जी पार्वती जी नंदी महाराज सभी हैं, और यहाँ साइड में बजरंगबली संकट मोचन हनुमान जी विराजमान हैं, कृष्ण कुमार बैठा हुआ है, और मेरे साथ मेरा प्यारा भतीजा गुरशरण सिंह भी आया हुआ है। दोस्तों ये जलपात्र है, जब सावन के समय में काफ़ी भीड़ होती है तो कांवड़ियों को ध्यान मत देने, ध्यान भीड़ भाड़ से बचने के लिए इसी जलपात्र में जलाभिषेक किया जाता है। ऐसे सावन छोड़ के अदर किसी भी समय में आप अंदर आराम से जा सकते हैं, अंदर शिव जी के दर्शन कर सकते हैं, जलाभिषेक कर सकते हैं, जो पूजा अर्चना आप आराम से कर सकते हैं। सावन के समय थोड़ी भीड़ होने के कारण ये मंदिर की तरफ से व्यवस्था किया गया है। तो ये जो आप देख रहे हैं टूटा हुआ धर्मशाला है दोस्तों, ये इसका कार्य प्रगति पे है, इसका काम चालू है इसका। बहुत जल्द ये भी भव्य नजर भव्य दिखेगा आप लोगों से। मैं जब ये पूरी तरह बन जाएगा तो मैं दशहरा के समय में आप लोगों से फिर से जुड़ूंगा, जब ये पूरे भव्य रूप ले लेगा मंदिर। ऐसे मंदिर में बहुत सारे अंदर कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है। तो दोस्तों आप जो ये समाधि देख रहे हैं, ये समाधि उन महान आत्मा की है जो इस मंदिर के सबसे प्राचीन या यूँ कहें कि सबसे पहले पुरोहित जो हुए उनकी ये समाधि है। इनका नाम हुआ क्या, नाम हुआ किशन? पंडित शंकरानंद भारती जी। हाँ इनका नाम हुआ पंडित शंकरानंद भारती जी, ये उन्हीं महान आत्मा का समाधि स्थल है। हम उनको कोटि कोटि नमन करते हैं। चलिए मैं आप लोगों को इसका पूरा व्यू एक बार दे देता हूँ। अभी ये हमारे फ्रेंड की मम्मी जी पास ही में मंदिर के जस्ट पास में इनका घर में, अभी उनके अब उस फ्रेंड से भी मिल लूँगा, आप लोगों को दिखाऊंगा। और ये हमारी सिस्टर है वो हमारी भांजी है, देखिए। तो दोस्तों ये ऐसे भी ये मेरे अपने बाज़ार का पहला मेरा ब्लॉग है, मैं इस तरह से पहली बार अपने बाज़ार में कैमरा लेके या मोबाइल फ़ोन लेके शूट कर रहा हूँ। थोड़ा हेजिटेशन भी है, अगर इसमें कहीं त्रुटि हो गई दोस्तों तक कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा।
ये हमारा बाजार है कुछ। ये देखिए बगल में सब्जियां वगैरह बिक रही है, इधर भी सब्जी का दुकान है। ये देखिए ना ही हम इसे, हम अपने जहाँ पे हम लोग रहते हैं ये बराड़ी में, ना ही इसे हम गांव कह सकते हैं ना ही बाज़ार कह सकते हैं, क्योंकि अभी इसे इसको डेवलप होने में काफ़ी समय लगेगा। अभी हाल ही में नगर पंचायत घोषित किया गया है, नगर पंचायत का इलेक्शन भी हुआ है, अभी बहुत लंबा सफ़र, बराड़ी को भी बहुत लंबा सफ़र तय करना है। और इधर ये हमारा सब्जी, ये सबसे पुराना सब्जी मंडी हम लोगों का, आज उसी तरह कायम है।